आज ये सरकार जो होल्डिंग टैक्स बढ़ाया है 4 से 5 गुना बढ़ा दिया, इसने गरीबों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और आज हमारे दो गांव माने नगर, पहले तो पंचायत में था, अभी वो नगर में आ गया है, कोटका और दट्टी, और वहाँ पर बिल्कुल उन लोग का माने सरकार की ओर से या नगर पालिका की ओर से उनको कोई सुविधा नहीं दे रहे, ना नाली है, ना रोड है, ना पानी है, ना बिजली है, ना वहाँ कोई कचरा गिरा हो उसको उठाने वाला कोई नहीं है, और उन लोग से भी होल्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। इसी का सब विरोध में ही आज हम लोग डीसी को एक ज्ञापन सौंपे हैं, और इस पर हम लोग का जो इस पर क्या निर्णय कि इसमें डीसी साहब क्या आदेश कर रहे हैं, और अगर नहीं इस पर कार्रवाई हो रहा है तो फिर हम लोग जो दाखिल उन्हें रोड पर जब तक बात। नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी सुशील कुमार जब से डिप्यूटेशन पर हैं, क्योंकि इसके आगे भी वो 3 साल चक्रधरपुर नगर परिषद के विशेष पदाधिकारी रह चुके हैं, इसलिए चक्रधरपुर के भ्रष्टाचार का आगे का जो कारनामा था जिसके कारण उनको हटाया गया था, अब आ करके वहाँ जो डिप्यूटेशन पर रहने के बाद चक्रधरपुर को पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। सबसे पहले तो वहाँ पर जो भी सरकार ने जो तय किया है होल्डिंग टैक्स का, जो वृद्धि 3 गुना किया है, एक तो कोरोना 2 साल कोरोना महामारी से लोगों की आर्थिक तंगी है, और उसके साथ एक बार एक टैक्स को 3 गुना बढ़ा देना हर लोगों के साथ एक आर्थिक बोझ पड़ गया है, जो हर मध्यम वर्ग और गरीब परिवार के लोग इसमें पूरे मारे जा रहे हैं। तो ये तो इसका विरोध है पूरे जनसमूह के बीच। सेकंड है मेन NH जो है जो ट्रांसपोर्ट उसका RTO जो पैसा लेता है, उसके बावजूद वहाँ पर नगर पालिका का कोई अधिकार नहीं NH पर, और वहाँ उन्होंने ब्रैकेटिंग लगा करके माल बहा गाड़ी से पैसा तसल्ली करना, जबकि चक्रधरपुर नगर पालिका में ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ था, ये तो सिर्फ मनमानी है। उसके बाद टेम्पो ऑटो ये सब रिक्शा जो चलता है उनको कोई सुख सुविधा नहीं, अब उनसे भी 10 रुपया 20 रुपया करके रंगदारी लिया जा रहा है। अब गुदड़ी बाजार जो है पहले राजा का समय से था, या फिर कृषि बाजार समिति को था, वहाँ लोग मासूल देते थे दुकानों में, कोई इतना ही था छोटा मोटा रकम, लेकिन आज ये आने के बाद में इसको अच्छा कमाई का अड्डा मिल गया, हर दुकान से 11% का इंक्रीमेंट करके रेट तय करके वो पैसा तसल्ली कर रहा बाजार से। बाजार के लोग भी काफ़ी असंतोष है, जबकि गांव घर से लोग आते हैं बाजार में बैठते हैं, सप्ताह में 2 बार हाट लगते हैं संडे और वेडनेसडे को, लेकिन लोगों को इस तरह शोषण करना इसका मनोकृति बन गया है। उसके बाद स्वच्छता के नाम पर जो केंद्र सरकार से पैसा आया था, वो पैसा को भी स्वच्छता के नाम पर इतना सब बड़ा बड़ा सामूहिक लेटरिन बनी है, वो जब से बनी है वो खंडर अवस्था में पड़ा हुआ है, करीब 10-12 ऐसा बड़ा हुआ जिसका 2 करोड़ 2.5 करोड़ का है। एक एक सामुदायिक भवन जो करीब 70-60 लाख का बना हुआ है वो भी नदी के किनारे बना करके उसका भी डैमेज होने के कगार पर खड़ा हुआ है। इस तरह आपको कई इनके उदाहरण माने कारनामे हैं जो हम लोगों ने मांग पत्र उपायुक्त महोदय को आज चक्रधरपुर नगर क्षेत्र से मंडल भारतीय जनता पार्टी का उसे मांग पत्र दिया है, और 11 तारीख को नगर मंडल का बैठक हुआ था, उसमें हम लोगों ने तय लिया कि कल मंगलवार को शाम को 6:30 बजे चक्रधरपुर पवन चौक पर एक नुक्कड़ सभा होगी। उसके बाद 16 तारीख को गुरुवार बृहस्पतिवार के दिन 10 बजे से 2 बजे तक चक्रधरपुर नगर परिषद कार्यालय के सामने बड़ा धरना दिया जाएगा, 1 दिवसीय धरना। उसके बाद अगर सरकार के काम में जू नहीं रंगता है, और यहाँ के उपायुक्त महोदय अगर इस पदाधिकारी डिप्टेशन पदाधिकारी को उसको वहाँ से हटा करके किसी भी पदाधिकारी को वहाँ पर बैठाए नगर पालिका को देखने के लिए, अब भरना उसके बाद चक्रधरपुर बंद हो NH को हम लोग जाम कर देंगे भारतीय जनता पार्टी, यही हम लोगों ने निर्णय लिया है। आज इसी मांग पत्र को लेकर के हम लोग उपायुक्त महोदय को आए थे, उपाध्यक्ष महोदय बैठक में हैं, तभी हम लोग ने रिसीव कराने कहा तो रिसीव दे दिए, लेकिन हम लोग कल से इसको आंदोलन अपना रूप रखें।